दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जितने भी स्टूडेंट इस बार अप्लाई मारे हो, फ्रेशर हो या रिन्यूअल, उस सभी स्टूडेंट का देखो सेंड टू पीएफएस होना शुरू हो चुका है। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, यानी जिस भी स्टूडेंट का स्टेटस अभी इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है, उससे उसका इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करने का लास्ट डेट देखिए कितना दिया गया है, 31/1/2024 आज लास्ट डेट है इसका। जो स्टूडेंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है वह स्टूडेंट अपना मतलब अपना इंस्टीट्यूट से जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंट्रल स्कॉलरशिप का यानी सेंट्रल स्कीम का 15 फरवरी तक लास्ट डेट दिया है इंस्टीट्यूट वेरीफाई का। इन अभी तक जो स्टूडेंट वेरीफाई नहीं करवाए हो वह वेरीफाई करवा लो इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराने के बाद उसका एप्लीकेशन चले जाता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास या तो स्टेट नोडल ऑफिसर के पास। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर दोनों में कोई एक वेरीफाई कर देता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन को भेजा चला जाता है मिनिस्ट्री के पास। मिनिस्ट्री चेक करता है कि आपका एप्लीकेशन फेक तो नहीं है। चेक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएस पर भेज देता है। तब सेंड टू पीएफएस आपका बैंक अकाउंट चेक करेगा कि आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं है, कि आपका बैंक अकाउंट से आधार से डेल। अगर आपका बैंक अकाउंट से आधार से डेल नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट को आधार से डेट करवा लेंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो वह चेक करने के बाद सेंड टू पीएफएस चेक करने के बाद तब आपका टोकन नंबर जारी कर देता है। टू पी एफ एस होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में आपका टोकन नंबर जारी हो जाएगा। जारी होने के बाद आपका पेमेंट 10 से 15 दिन के अंदर में रिलीज कर देगा आपको। देखिए अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश और रिन्यूअल। अगर रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर क्लिक कीजिएगा, फ्रेश है तो फ्रेश पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए नेक्स्ट वेबसाइट पर रिलोड करेगा। वहाँ पर आपको देखिए क्या आपको वहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन आईडी में जो भी आईडी है आईडी डालिएगा, पासवर्ड की जगह पासवर्ड डालिएगा। डालने के बाद आपको देखिए कैप्चर फिलअप कर लीजिएगा। देखिए आप नेटवर्क प्रॉब्लम का कारण से वेबसाइट नहीं खुल रहा है, जब खुलेगा तो वहाँ वैसे ही होगा। उसके बाद कैप्चर फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन फिर मिलेगा नीचे चेक यूर स्टेटस, वहाँ से जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट से वेरीफाई नहीं हुआ है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या जिस भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ के नोडल ऑफिसर से जल्दी संपर्क कीजिए, आपका वेरीफाई वहाँ का नोडल ऑफिसर कर देगा। इसी तरह से वेरीफाई किया जाता है। अगर नोडल ऑफिसर वेरीफाई नहीं करता है तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नोडल ऑफिसर वेरीफाई नहीं करता है तो आप स्टेटस चेक करते रहिए कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। और आप बैंक से आधार से डेट कर लीजिए तो बैंक अकाउंट अगर आपका अभी क्लोज हो चुका है या तो बंद हो चुका है तो उसको चालू करवा लीजिए तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, वो पेमेंट नहीं आएगा। यानी देखिए सीडेट बैंक अकाउंट नहीं कीजिएगा बीज आधार से तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, क्योंकि देखिए आधार से सीडेट नहीं होने पर आपका बैंक अकाउंट का पैसा नहीं भेजा जाएगा। देखिए आधार से लिंकेड होना चाहिए और सीडेट अलग होता है, आधार से सीडेट होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो में यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज का वीडियो यही तो रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।